नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। अखिल भारतीय किसान महासभा के आह्वान पर आज बोकारो जिला उपायुक्त कार्यालय के समीप एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य कमेटी के सदस्य गणेश प्रसाद महतो ने कहा कि MSP आज तक तय नहीं किया गया। जब कोई कंपनी अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारण करता है तो किसान अपने फसल की कीमतों का निर्धारण क्यों नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि गैर मजरुआ जमीन को भूमि बैंक बनाकर उद्योगपतियों को केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। नेताओं ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले किसानों को 10,000 प्रति माह सरकार पेंशन के रूप में दें, इसके अलावा बुनियादी सुविधाएं भी दे सकें तबकि लोगों को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि जो जमीन गैर मजरुआ है उस जमीनों की सरकार सूची बनवाकर उसे गरीब असहाय लोगों को आवंटित करें। हम उद्योगपति को जमीन देने का विरोध करते हैं। नेताओं ने कहा कि आज सरकार गरीबों का शोषण करती है। मोदी सरकार ने जो कृषि विरोधी तीन काला कानून लाया है उसके खिलाफ में हम लोग धरना पर बैठे हैं। और कुछ सवाल हमारा ये है MSP के सवाल पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के सवाल पर। हम कह रहे हैं अगर मोबाइल हम लेते हैं इसका दाम उद्योग तय करता है, फैक्ट्री वाले तय करते हैं, चश्मा लेते हैं उसका करता है, लेकिन किसान के उत्पाद का जो कीमत किसान तय नहीं कर पाते हैं। और वही कीमत तय करने के लिए सरकार से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कम से कम आप तो कम से कम इसका कीमत तय कर दो ताकि किसानों को भूखों मरना नहीं पड़े, किसानों को आत्महत्या करना नहीं पड़े। यह सवाल हमारा है। दूसरी सवाल यह है, जब झारखंड स्तर पर हम जब आते हैं तो 12 लाख हेक्टेयर जमीन किसानों का जो गैर मजरुआ बंदोबस्ती जमीन है वह जमीन सरकार ने भूमि बैंक में डाल दिया है। अब सोचा जाए, एक तरफ किसानों का परंपरागत आय का स्रोत खेती है, जमीन है, उसी जमीन को सरकार लूटने का काम कर रही है। अगर हम समझते हैं कि यह लूट करके या जमीन छीन करके किसानों का किसी हरिजन को, आदिवासी को, अल्पसंख्यक को या नीडी पर्सन को देते तो अच्छा रहता, लेकिन यह उद्योगपतियों को देने के खिलाफ में चल रहा है। इसके लिए हम लोग इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। और हम यह भी मांग कर रहे हैं कि 60 वर्ष के ऊपर जितने भी किसान हैं, चाहे औरत हो या मर्द हो, स्त्री हो या पुरुष हो।